हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब अ लॉ ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अंदर के क्यूज हैं व्हाट इज इट, हाउ डिड यू फर्स्ट लर्न अबाउट इट, हु बेनिफिट्स फ्रॉम इट एंड एक्सप्लेन हाउ यू फील अबाउट दिस लॉ। अब पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। ऐसे कोई लॉ के बारे में बात कीजिए जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ डील करता है, यानी पर्यावरण का रक्षण करने के लिए कोई भी ऐसा लॉ हो, कोई भी ऐसा कानून हो आपके देश में, उसके बारे में बात कीजिए। ये लॉ क्या है, सो आपको उसका नाम बताना है और थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन देना होगा। हाउ डिड यू फर्स्ट लर्न अबाउट इट, लर्न अबाउट इट यानी आपने सबसे पहली बार इस लॉ के बारे में कैसे जाना, आपको कैसे पता चला कि ऐसा कोई लॉ है, एग्जिस्ट करता है। हु बेनिफिट्स फ्रॉम इट मतलब इस लॉ के जो फायदे हैं, जो लाभ है वो किसे मिलते हैं, और आप इस पर्टिकुलर लॉ के बारे में कैसा फील करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के एक ऐसे लॉ की जो डील करता है एयर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल के साथ। सो जब हमें एक मिनट का थिंकिंग टाइम दिया जाएगा और एक पेपर दिया जाएगा तो हम जल्दी से पेपर पे लिखेंगे व्हाट इज इट में एयर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। हाउ डिड यू फर्स्ट लर्न अबाउट इट, तो मैंने उसके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा। हु बेनिफिट्स फ्रॉम इट, ऑफकोर्स एवरीवन। आप उसके बारे में कैसा फील करते हैं, मैं बहुत ग्रेट फील करता हूँ, लेकिन मुझे ये भी लगता है दैट अवेयरनेस नीड्स टू बी क्रिएटेड। अगर आपको मेरे आइडियाज़ की PDF बुक को परचेज करना है तो ऊपर दिए गए नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इस PDF बुक में क्यू कार्ड्स हैं, उनके फॉलोअप क्वेश्चंस हैं और पार्ट वन के क्वेश्चंस भी मौजूद है। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब हम क्यू कार्ड को समझ लेते हैं। आई एम अवेयर अबाउट अ फ्यू लॉज इन माई कंट्री फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, फॉर एग्जाम्पल प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट, सेविंग वाटर एंड प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ। सो थोड़ा सा हम यहाँ पे बैकग्राउंड बिल्डिंग कर रहे हैं, विच इज़ नॉट कंपल्सरी, आप डायरेक्टली भी लॉ के नाम के साथ स्टार्ट कर सकते हो। मैं मेरे देश में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेके थोड़े बहुत लॉज के बारे में जानता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जंगल को प्रोटेक्ट करना, पानी बचाना और वाइल्ड लाइफ जो जंगली पशु पक्षी है उनका भी प्रोटेक्शन करना। However, I wish to talk about the Act on Air Prevention and Control of Pollution. It is an act to control and prevent air pollution in India. It is applicable to whole of India. So, यहाँ पे आपने पहला क्यों आंसर कर दिया, What is it? So, मैं आज बात करना चाहूँगा, आपने लॉ का नाम बताया Air Prevention and Control of Pollution. ये जो पर्टिकुलर एक्ट है वो स्वच्छ हवा के लिए और प्रदूषण को रोकने का लॉ है। इट्स ओके अगर आपको ये पूरा लॉ ऐसे ही याद ना रहे, डोंट वरी, जस्ट से इट इज़ अ लॉ ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल और एयर प्रिवेंशन, यू कैन ऑल्सो स्पीक लाइक दैट, दिस इज़ नॉट एन एग्जाम ऑफ योर GK, रिमेंबर दैट। ये जो लॉ है वो पूरे इंडिया को एप्लीकेबल है। आई केम टू नो अबाउट दिस लॉ फ्रॉम द न्यूज़पेपर। आई वॉज सीइंग एन एडवर्टीजमेंट ऑन एयर प्योरीफायर एंड इन दैट एडवर्टीजमेंट आई रेड अबाउट दिस एक्ट। सो अब हम सेकेंड क्यों आंसर कर रहे हैं कि हमें इसके बारे में कैसे पता चला। सो हमें इसके बारे में न्यूज़पेपर से पता चला और मैं एक एडवर्टीजमेंट देख रहा था एयर प्योरीफायर की, जिसमें मैंने ये एक्ट या फिर ये लॉ के बारे में पढ़ा। दिस एक्ट सीक्स टू कॉम्बैट द एयर पॉल्यूशन बाई प्रोहिबिटिंग द यूज़ ऑफ इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स एमिटिंग पॉल्यूटिंग फ्यूल्स एंड सब्सटेंसेस। सो थोड़ा सा हम इस एक्ट के बारे में बता रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर लॉ है वो एयर पॉल्यूशन का सामना करने वाला लॉ है और वो प्रोहिबिट करता है यानी रोकता है किसे, इंडस्ट्रीज और व्हीकल्स में से जो प्रदूषित फ्यूल्स निकलते हैं या फिर जो पदार्थ निकलते हैं इन पे रोक लगाता है। द पॉल्यूटेंट्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैशियस विच हैव अ पोटेंशियल टू कंटेमिनेट द एयर। यानि जो प्रदूषित पदार्थ है वो सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं या गैशियस हो सकते हैं, जिनमें वातावरण को प्रदूषित करने की क्षमता रहती है। एयर इज वाइटल फॉर अवर सर्वाइवल बिकॉज इट कंटेन्स ऑक्सीजन। सो एयर जो है, हवा जो है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल है यानि ये हमारे जीवन का आधार है क्योंकि उसमें प्राणवायु होता है, ऑक्सीजन होता है। दिस एक्ट इज बेनिफिशियल टू ऑल द लिविंग क्रीचर्स एंड अवर एंटायर इको सिस्टम एट लार्ज। सो किसे इस लॉ का फ़ायदा होता है, इस एक्ट का फ़ायदा होता है, ये हमने यहाँ पे बता दिया कि जितने भी जिंदा क्रीचर्स हैं, लिविंग क्रीचर्स हैं, पूरा हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, उसमें ये पर्टिकुलर जो एक्ट है वो सभी को लाभकारी है।
we should be aware that everything in nature is interconnected and interrelated. हमें पता होना चाहिए कि कुदरत में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, interconnected है और interrelated है, यानी एक दूसरे पे आधारित है, निर्धारित है. This pandemic has taught us to be responsible towards our environment. Thus, everyone benefits from this law. ये जो महामारी है उसने हमें सिखाया है कि हमें अपने एनवायरनमेंट के लिए जिम्मेदार रहना चाहिए, तो ये जो लॉ है उसका फ़ायदा सभी को होता है. अब हम बताएंगे हमें कैसा फील होता है. आई फील ग्रेट दैट माई कंट्री हैज़ दिस लॉ. मैं बहुत महान फील करता हूँ कि मेरे देश में ऐसा कायदा है. इट इज़ अ वेरी थॉटफुल एंड मीनिंगफुल एक्ट. ये बहुत ही सोच समझ के बनाया गया है एक्ट, और ये अर्थपूर्ण भी है. Presence of such laws are instrumental in conserving and protecting the environment. ऐसे जो कायदे हैं वो पर्यावरण को, environment को रक्षण देने में, उन्हें protect करने में सहायता देते हैं. Instrumental यानी सहायता देना. However, I also believe that a lot of awareness should be created about this law so that more and more people are aware about it and many campaigns can be undertaken for the environment. लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पर्टिकुलर लॉ की जागरूकता फैलानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए ताकि लोग इसके बारे में जानें और पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एक्शन लें. सो फ्रेंड्स, ये जो क्यू कार्ड है उसके जो फॉलोअप क्वेश्चंस हैं, उसके वीडियो की लिंक थोड़े ही दिनों में मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाऊंगी. और अगर आपको इस क्यू कार्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कॉमेंट्स हैं तो आप ज़रूर से मुझे कॉमेंट बॉक्स में इसके बारे में पूछ सकते हैं. ऑल द बेस्ट.